सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ MIUI 9 के बारे में। तो MIUI 9 को 2 नवंबर को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और बताया जा रहा है कि Xiaomi से न्यू स्मार्टफोन की सीरीज भी 2 नवंबर को इंडिया में लॉन्च की जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो कौन से डिवाइजेस हैं जिनको MIUI 9 का स्टेबल अपडेट मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को जितने भी डिवाइसेस हैं इंडिया में Xiaomi के, उन सभी डिवाइसों को स्टेबल रोम MIUI 9 का अपडेट मिलेगा। तो अगर आप Xiaomi के डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो आप अपने फ़ोन के अपडेट में जाके जो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट है वो चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। Xiaomi Redmi Note 4 को बहुत सारे बीटा रोम्स आए थे, तो ये डिवाइसेस हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, मी मिक्स 2, मी 5, मी 4, मी 4i, मी 3, मी मैक्स 2, मी मैक्स प्राइम, जितने भी डिवाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी को MIUI 9 का अपडेट मिलने वाला है। जहाँ तक रेडमी 2 प्राइम तक आपको MIUI 9 का अपडेट मिलेगा। तो जितने भी Xiaomi के डिवाइसेस इंडिया में Xiaomi ने लॉन्च किए हैं, बेसिकली उन सभी स्मार्टफोन्स को MIUI 9 का अपडेट मिलने वाला है। तो एक बहुत अच्छी बात है अगर आप ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो बताया जा रहा है कि 2 नवंबर के बाद से रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके ये अपडेट चेक करना स्टार्ट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद होगी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मैं कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो।